अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह सुबह हो गई, जैसे रात को छठी शरीफ की दुआ में गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 साल हो गए मुझे अजमेर जाते हुए, और माशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि हमेशा छठी की दुआ में शामिल रहूँ। लेट आने की वजह से अमीन की आँख नहीं खुल रही थी, मैंने बोला उठो बेटा क्योंकि आज छठी की दुआ मॉर्निंग की भी रहती है तो जाना है, फिर उसके बाद हमें तैयारी थी बॉम्बे की भी। और मुझे नहाने के पहले आदत है थोड़ी सी चाय पीने की, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई। चाय पीने के बाद फिर फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद फिर हम गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट जाने के लिए मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो अमीन बोला आप बैठ जाओ, लिफ्ट आएगी तब आप उठ के आना। जैसे लिफ्ट आई, जैसे हम ट्रेन के लिए भागते ना, मैं पागल उस तरीके से भागने लगी, तो अमीन मेरी मजाक करने लगा, तो वो मजाक मैं आपको बता रही हूँ। और फिर जैसे हम ब्रेकफास्ट करने नीचे उतरे, तो मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी वहाँ के एक शॉप है जो सब ट्रेडिशनल सामान मिलते हैं, और मुझे बहुत शौक है ट्रेडिशनल सामानों का, और मुझे ख़ास करके एक पोटली वाली पर्स की ज़रूरत है जो रेखा लगाती है, आपने देखा होगा हमेशा, और मैं बहुत डाई हार्ड फैन हूँ रेखा की, तो मैं ढूंढ रही थी पर उन्होंने मुझे बताया कलर वाला मुझे नहीं पसंद आई। तो फिर हम वहाँ से चले गए ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट में इतनी मज़ा आई क्योंकि अमीन डाइट करता, तो अमीन ने सोचा था कि मैं चीट करूँगा क्योंकि अजमेर जा रहा हूँ तो मज़ा करूँगा एक दिन। लेकिन क्या हुआ पता है, अमीन को वहाँ जाने के बाद भी उकमा ही मिला है। वालेकुम अस्सलाम, कब उठे? नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है ना। हाँ। तो तुम रात को घर भी नहीं आए? काम की जगह पे रुक गए थे। चाय नाश्ता करो, चाय नाश्ता लेके आता, ब्रेड बटर आमलेट मंगाया। अच्छा अच्छा, मैंने तो यहाँ पे डोसा मंगाए, भाई घर पे भी उपमा खाता नहीं, यहाँ भी उसको उपमा ही मिले। काम हो गया, दवाई लेकर आया, मेरे को दूध ला के दिया, चाय अभी बस तैयार हो रही हूँ, ड्राइवर को बुलाई हूँ, तब तक तैयार होके जाती हूँ रूम पे, तुम भी फटाफट तैयार होके काम के लिए निकल जाओ, ठीक है? अयूब से तो काफ़ी लंबी बातें चली मेरी, फिर अयूब ने स्पेशली मुझे बोले वही साड़ी पहनी हो, मैं बोली नहीं पहनी, मैं रात को पहनने का मूड था, तो बोले नहीं वही पहनना साड़ी, फिर मैंने नई साड़ी, वैसे मेरे सरकार का बहुत करम है, मैं इतने सालों से जाती हूँ तो नई साड़ी नई जेवर सरकार मुझे हमेशा ही पिना के बुलाते हैं। और सच में मम्मी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं मम्मी। तो हम सारी चीज़ें करके वहाँ से फिर अलविदा लेके गरीब नवाज से निकल गए, और मेरी आदत है जब भी मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं बार बार वहाँ जाती हूँ। किसी के घर नहीं है, सॉरी वो बात नहीं, आप दिमाग में लेना, खाने की बातें बता रही हूँ। और कोई चीज़ अगर परचेसिंग अच्छी लगती है तो मैं वो परचेस करने बार बार वो शॉप पर जाती हूँ। तो यहाँ पर ये बार मैंने कुछ स्वीट ट्राई करी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। वैसे मैं वहाँ स्पेशली, मैं और अमीन क्या खाने जाते हैं? आलू पराठा विद दही एंड आधा किलो मस्का। ये देखिए, और ये सब खाने के बाद फिर ये बार मैंने दो चीज़ें ट्राई करी। ये देखो, मैं मजाक कर रही थी कि ये चिकन चिली, इसको आप बताओ ये चिकन चिली ऐसी होती है अपनी बॉम्बे में? तो अमीन बोला खा लो यार मम्मा, सब जगह अपने अलग अलग स्टाइल की होती है। भागो भागो, भाग भाग भाग। मीका भाग। मेरे को ना कोई और भाग बोलेगी अभी यार। गरीब नवाज के घर से जा रहे हैं, भूत जो है वो भी भाग गए। हमेशा ही भागते रहती हूँ ना, तो इसीलिए मुझे अमीन बोलता भाग भाग मिल्खा भाग, तो मैंने चल चल भागूंगी नहीं क्योंकि वेब चेकिंग तूने कर लिया है। और मैंने ना छोटी छोटी बैग्स लेकर जाती हूँ क्योंकि वेब चेकिंग करने में, बैग लगेज डालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी करी हूँ बहुत परफेक्ट गई है। और उसके बाद फिर से ट्रेडिशनल चीज़ें एयरपोर्ट में, माशाल्लाह मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें। और मैंने सोची हूँ जब मेरा नया बड़ा सा घर होगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरी जो माइंड में है मैं अपने घर में वो चीज़ों को उतारूँगी। और फिर यार वही औरतों की जो चीज़ें पसंद है, अगर वो शॉप दिखे तो वो जाए भी घर थोड़ी रहते। मैं वहाँ गई, एक कुर्ती देखी,
पर जिस टाइप की मुझे कुर्ती चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन ये है कि मेरे फैन थे उनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक की और फिर हम चले गए आगे। जैसे वहाँ पे बहुत सारी रश थी क्योंकि छठी के दिन के काफ़ी लोग होते हैं जो बॉम्बे जाने के लिए रहते हैं, तो हम भी लाइन में खड़े रह के मस्त मज़ा ले रहे थे जैसे फ्लाइट में जाने का। और फिर वहाँ जाने के बाद मैंने खाई खट्टा मीठा, जो मेरे पैकेट खोलो ना तो आपको हर चीज़ मिलेगी सफ़र में। और जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट दिखा, अभी तो लैंड भी नहीं हुई थी, और ऐसा सुकून हुआ कि भाई हम पहुँच गए हमारे घर पे माशाल्लाह। वेलकम टू मुंबई, और ये असीम वाला सफर यहाँ खत्म होता है। दुखी वाला सफर अब शुरू होता है ना मुंबई में। उल्टी गिनती एक महीने तक वापस शुरू कर दो। 30, 29, 28, 27 मैंने स्टार्ट कर दी, आगे का आप बोल देना कमेंट के जरिए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद अयूब के 3-4 कॉल आ गए, तो अयूब मेरे को बोले जल्दी आ जा गोरी, चाय पीना है। तो मेरे लिए आप अपने लिए बना लो ना, मैं आऊँगी तो लेट होगा मुझे, तो अच्छा हाँ बोलकर उन्होंने छोड़ दिए और फिर मैं पहुँची घर। वालेकुम अस्सलाम, आ गए। क्या भाई? मैं आधा पौना घंटा हुआ, चाय बा बनाई, नया चाय बनाई मस्त, मेरे घर चलो। हाँ चाय बनाई, रेडी है बन के काम के लिए जो नहीं आए थे साथ में, वो एहसान है काम पहले काम फिर पर वो हुआ कुछ। चलो करते बाद में बात, अभी पहले मेरे मिस्टर ने मेरे चाय बनाई है, तो मिस्टर बीन की चाय देखते हैं कि मिस्टर बीन की चाय में कितनी पावर है, क्योंकि मिस्टर बीन हिलते रहते हैं क्या पता क्या खाता, तो मैं आज इनके हाथ की चाय पीती हूँ, पता नहीं वो पावर आ जाए मेरे अंदर। अब ये खुद मिसेज बीन ना, जैसे लोगों को एडिक्शन हो जाता है ना सिगरेट का, दारू का, वैसे डैडी को एडिक्शन हो गया केप्सा राइस का। और मैं बहुत सालों से चाहती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसे ही हो। हाँ ये है कि जो 13 महीने का वनवास था ना, वो वनवास ने काफ़ी चीज़ें सिखाई है मुझे और अयूब को। अब मुझे लगता है कि जैसे ही मैं ख्यालों में मेरे हस्बैंड को छवि देखती थी ना, अब मेरे हस्बैंड उस तरीके से होने लगे। मुझे बोले कि चल तू जा फ्रेश हो, मैं मंगा लेता हूँ खाना, लेकिन मंगाया उन्होंने अपने पर। हाँ ये मुझे 10 बार पूछा उन्होंने क्या खाएगी गोरी क्या खाएगी। जब ऐसा होता है ना, आपके हस्बैंड अगर आपको पूछते हैं तो आपका यही दिल चाहता है ना उनको जो पसंद है हम वही मंगाए। सेम चीज़ मैंने भी की, फिर उनको पसंद है कैरी, तो वो कैरी काटी, कैरी मतलब मैंगो यार, मैंगो काटे, फिर मैं बच्चे हम सब मिलके बहुत अच्छे से खाना खाए। अभी तक अमीन का डाइट ख़त्म नहीं हुआ, अमीन ने अपने लिए अभी भी मस्त काली मेरी तंदूरी मेयोनीज वाली, विथ मेयोनीज वाली, टेस्टी नहीं, मजा आ गया। मतलब कल से मम्मा डाइट स्टार्ट करूंगा। इस तरीके से फिर हमारा सफर घर आके ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज, जल्दी मिलते वापिस।